zombie apocalypse. हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो यार कैसे हो आप लोग का स्वागत है गाइस हमारे यूट्यूब चैनल गेमर प्लूट में। तो भाई जितने भी लोग चैनल पर नए हो गए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना मेरे भाई। अभी अपन खेल रहे हैं पबजी पीसी लाइट स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड मीनामार मैप है गाइस। तो यार 5-6 बंदे यहाँ आ चुके हैं, तो चलो यार देखो कैसे बजाते हैं इनको। तो यार गाइस अपन अभी चलते हैं अंदर, तो मिल जाती है मुझे Kar98 जो कि काफ़ी अच्छी बात है मेरे भाई। तो चलो यार इसे रिलोड सब कुछ कर लेते हैं। रिलोड हो जाने के बाद यार गाइस चलते हैं ऊपर, तो ऊपर में मिल जाती है मुझे M416 और मैं सोचता हूँ यार चलता हूँ उसके टॉप पे। टॉप पे चलने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि बहुत से बंदे स्पॉट हो जाते हैं कहाँ पे बंदे हैं। तो यार चलते हैं अभी टॉप पे चल जाने के बाद यार गाइस अपन चलते हैं अभी ऊपर और फिर वहाँ से देखते हैं बंदे हैं किधर। सो गाइस सरप्राइज हो जाओगे यार, बहुत से बंदे देखते हैं टॉप से। तो गाइस यहाँ पे जब भी आना मीनामार मैप में तो गाइस इस जगह पे ज़रूर आना, ठीक है। तो यहाँ पे आने का फ़ायदा बहुत सारे है भाई। तो मेरे पास 2x था, तो यार 2x से यूज़ करते हैं Kar98 में। अब क्या कर सकते हैं, कुछ अपने पास स्कोप अच्छी है नहीं थी। तो चलो यार इस बंदे को बजाते हैं, ऊपर में दिखता है तो बट इसे कुछ होता नहीं यार, लगता ही नहीं एक भी गोली। वो बंदा समझ जाता है उसके ऊपर फायरिंग हो रही है, वो भाग जाता है वहाँ से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, चलो आगे चल के देखते हैं, बहुत से बंदे दिखेंगे। सो बंदों को तो सर्च कर रहा हूँ, अभी अभी तो दिख नहीं रहे थे, उसके बाद देखना क्या सीन होता है। देखो यार, तो गाइस सामने एक बंदा आ रहा है, तो ओके तो कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पट से हेडशॉट पड़ता है उसे बुरा वाला। वो समझता नहीं, समझ नहीं पाता भाई कहाँ से प्रसाद मिला मुझे Kar98 का। तो गाइस एक बंदा ऑलरेडी नॉक होकर घूम रहा था, तो उसकी किल मैंने चोरी कर ली। चलो गाइस, तो यार इस बंदे को मैंने सोचा यार कि ग्रेनेड करके मारता हूँ, या बंदा वहीं पे बैठा होगा वहाँ से जाएगा नहीं, बट वो बंदा से वहाँ से निकल जाता है धीरे धीरे करके। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, अब क्या कर सकते हैं। तो चलो फिर आगे देखते हैं बंदे और है कहाँ पे। ओके तो अभी सर्च वर्च सब कुछ चल रहा है अपना, मेरे टीममेट्स पूरा बेचैन है भाई, कहाँ पे कहाँ से मैं ऊपर चढ़ाया। तो चलो गाइस उन्हें भी ऊपर लेके आएंगे अभी नहीं, बट अभी बंदों को सर्च कर लेते हैं पहले बंदे है कहाँ पे। ओके तो बंदा देखो, ओके पट से हेडशॉट, गंदा वाला लगा उसे भाई, गंदा वाला लगा। ओके तो गाइस यार इस बंदे को मैंने देखा ही नहीं कि ये बंदा मुझे पीछे से कहाँ से फायरिंग कर रहा था। मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था ना गाइस तभी मुझे वो दिखा, बट उसके अलावा मुझे दिखा ही नहीं था कि भाई वो बंदा है किधर पे, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्या उखाड़ पाएगा मेरा, तेरा भाई भी किससे कम है भाई। तो चलो यार तो फिर देखते और सब बंदों को सर्च करते कहाँ पे बंदे हैं, ठीक है गाइस। तो एक बंदा और दिख जाता है, बहुत दूर आता है 2x स्कोप से, यार क्या घंटा उखाड़ पाऊँगा। चलो एक शॉट उसे पड़ती है, बट देखो यार क्या सीन होता है उसे, यार पता नहीं मुझे भी उसमें नहीं दिख रहा था भाई उसे गोलियाँ पड़ रही है नहीं पड़ रही है, 2x में कोई जम नहीं रहा था उतने अच्छे से। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, तो यार देखते हैं फिर। ओके मेरी एमओ भी ख़त्म हो जाती है, मैं रिलोड करने लगता हूँ, तभी पता चलता है कि उसे कोई मार ही डालता है। ओके तो इधर से फायरिंग किया था इस बंदे ने, किसने किया था पता नहीं भाई, मुझे लग रहा है बिल्डिंग्स वाले हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तो गाइस बिल्डिंग में ये जो सामने वाली बिल्डिंग थी ना, तो इसमें बंदे भर भर के बैठे हुए हैं, तो चलो देखना उसे भी कैसे बजाएंगे। एक सामने से बंदा आ रहा है, तो इस भाई को तो जाना ही था ऊपर, तो ये लो चला गया, कहने वाली कौन सी बात थी। ओके एक शॉट मैंने मारा, एक शॉट मेरे टीममेट ने मार दिया, तो चलो अच्छी बात है यार। सो ओके गाइस तो देखते हैं फिर कहाँ से सीन क्या होता है। ओके तो मेरे दोनों टीममेट्स को यार नॉक कर देता है, आगे से करता है या पीछे से करता है कोई आइडिया नहीं मिलता। ओके तो आगे से ही करता है, मुझे लगता है वो बिल्डिंग्स वाले ही हैं। ओके तो बिल्डिंग्स वाले की भी स्टोरी बताएंगे आपको आगे चल के। तो चलो यार पहले इन्हें रिवाइव करते हैं। सो गाइस तो पहले चलो इन्हें रिवाइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अपन। ओके गाइस तो सारे बंदे मेरे रिवाइव हो गए, मैं इन्हें कॉल करता हूँ कि गाइस यहाँ से निकल। ओके को यार पता चल जाता है कि हमारी लोकेशन कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाता है कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है। फिर भी मैं इन लोग को बोलता हूँ कि यार लोकेशन चेंज कर लेते हैं अभी हम लोग। तो सो गाइस यार इस सामने वाले घर में अपन आ जाते हैं, यहाँ से लोकेशन चेंज वेंज करके सब कुछ। मेरे बंदे के पास जो मेरा टीममेट है यार उसके पास 4x होता है, तो मैं उसे कॉल करता हूँ कि भाई मुझे 4x तू दे दे, तू 2x चला ले, ठीक है। तो मुझे 4x मिल जाता है, तो जो काफ़ी अच्छी बात है भाई। तो चलो देखते हैं अभी। ओके तो इसी बिल्डिंग्स में बंदे हैं, ठीक है।
ओके तो एक बंदा और नॉक होकर पड़ा हुआ जा रहा है, तो भाई यार तो फिर छोड़ना क्यों भाई, कील उठा लो ना इसका, लोग पट से हेडशॉट रिसीव पड़ जाता है भाई चलते चलते, तो वे भी फिनिश हो जाता है, चार किल अपन के हो जाते हैं। सो गाइस देखो अभी क्या सीन चलने वाला है। ओके तो यहाँ पे भी एक बंदा है भाई, इसे मैंने मारा यार, बट थोड़ी सी आगे इसकी एमओ निकल गई, इसकी इसकी गोली थोड़ा आगे आगे से इसके निकल गई। सो इसे लगता नहीं, तो फिर इस बिल्डिंग्स में यार इधर उधर बंदे मूव करते तो मुझे दिखते रहते हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। और सबसे टॉप वाले बंदे पर रहते हैं जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, जहाँ मैंने जहाँ मेरी स्कोप है, ठीक है। तो मेरे टीममेट्स भी पूरे लगे हुए हैं उनको मारने में, बट भाई घंटा ना कुछ उखड़ पाता है। तो चलो यार यहाँ से भी लोकेशन चेंज करते हैं, वो भी समझ जाते हैं, ठीक है। ओके मैं भी अपने समझ में भाई स्कोपिंग पूरा एकदम किए हुए हूँ, बंदा ताके तो मारूँ उसे, बट ऐसा कोई सीन नहीं होता है गाइस। तो मैं अपना लोकेशन चेंज करने के सोचता हूँ, तो लोकेशन चेंज करने के बगल में ही गाइस घर होता है, उसी घर में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ खास मिलता नहीं है भाई, बट 5 की एमओ मिल जाती है मुझे 30 और, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइस। तो चलो देखो अब यहाँ से कैसे बजाते हैं गाइस, ये वाला अगर शॉट पसंद आता है पट से हेड शॉट। अबे नहीं अबे सॉरी सॉरी मजाक था भाई, ये देखो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए गाइज ना तो बताता हूँ भाई यार। सो गाइज देखे यार, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना यार, अगर ये शॉर्ट पसंद आई कार 98 की गाइज आपको तो। सो चलो यार बहुत ही ओपी था ये, तो यार अब वो बंदा पीक लेने से रहा वो समझ गया, खोपड़ी खोल दे रहा है ये तो बंदा, फिर तो यहाँ से फिर मतलब ही नहीं है पिक लेने का। सो गाइस चलो थोड़ा वो देखते हैं कि बंदे कहीं से पिक विक कर रहे हैं, कुछ सीन ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ से अपन लोकेशन चेंज करते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं इस घर के, ठीक है। तो यार गाइस मेरे मेरे टीममेट्स का हेल्थ बहुत कम था, उसके पास कुछ भी नहीं था, बैंडेज देता हूँ, बट पीछे से एक और आ जाता है यार, तो चलो इसे भी ख़त्म कर देते हैं, इसे ख़त्म करना कौन बड़ी चीज़ थी। चल बे अब ये वाला में ये गया पट से, चलो गाइस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, बट यार जोन भी अब धीरे धीरे आ रहा था, ठीक है। तो अपन अभी सीन को काटते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अपन लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, तो देखो मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, उसके पास ना फर्स्ट एड किट होती है ना कुछ भी हो, उसके पास हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं होता है। सो देखो यार अब गाइस क्या होता है सीन, इसे मैं बचाने की बहुत कोशिश करता हूँ बट यार कुछ बचता ही नहीं है भाई, मैं इसे पेन किलर भी देता हूँ कि भाई तू ये खा ले या तू बच जा, बट भाई कुछ ऐसा सीन ही नहीं होता है, अगर बैंडेज होता तो बच जाता ये बंदा। ओके गाइस तो यार कोई सीन नहीं है यार, मैंने इसे मेड किट भी दिया था भाई, तो वो भी कोई काम नहीं आया, फिर बंदा ये नॉक हो जाता है। तो अब तो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, तो मैंने इसे कॉल करता हूँ कि यार मेरी जो मैंने तुम्हें मेडिकिट दिया वो मुझे वापस कर दे, ठीक है। सो देखो गाइस क्या क्या सीन होता है। ओके तो उसने मुझे वापस कर दिया कि ले ले भाई तू निकल जा यहाँ से, बहुत अफसोस हुआ है अपने टीममेट के लिए, बट क्या कर सकते हैं गाइस, चलो इसका बदला लिया जाएगा। तो गाइस तो अभी अपन अभी निकलते हैं गाड़ी से, और देखो अब क्या गंदा वाला सीन होने वाला है, जो मेरा टीममेट है जो अभी गाड़ी चला रहा है, देखो उसके साथ क्या गंदा सीन होता है, उसे देखते रहना सिर्फ जो गाड़ी चला रहा है। देखो वो बंदा गायब हो गया, मुझे पता भी नहीं था, मुझे लग रहा है कि वो बंदा गाड़ी चला रहा है, मैं हिल विल पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ अपना, जब वो मुझे कॉल कर रहा है कि भाई मैं तो नॉक हो गया मैं मर गया, तो चलो क्या कर सकते हैं अब गाइस। देखो यार यहाँ मेरी पिंग हाई हो जाती है और मेरी ही कार से मुझे डैमेज मिल जाता है, सो यार बहुत ही बुरी बात थी, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई। तो यार देखो अब थोड़ा हिल विल की अब हील करते अपन, सामने दिख जाता स्मोक, वहाँ दिख जाते 3 बंदे। सो गाइस तो फिर किस बात की देरी। ओके तो देखो जैसे मैंने इसे मारा ये मूव कर गया, तो चलो इसे किस्मत अच्छी थी भाई, बट आगे चल के नहीं होगी। इसे मैंने मारा, इसे भी लगा नहीं लगा मुझे पता नहीं, बट ये बंदा हील कर रहा था क्या कर रहा था पता नहीं, बट इसे मैंने नॉक कर दिया, इसे मैं फिनिश करना चाह रहा था, बाकियों को नहीं मारना था मुझे, बस इसे फिनिश करना था, बाकियों को बाद में निपटाए थे। ओके तो ये फिनिश अपने आप ही हो गया, ये बंदा पेड़ की तरफ से छुप रहा। ओके इसे भी नॉक कर दिया उसने, ठीक है गाइस। तो देखो फिर क्या सीन होता है, तो मुझे साउंड आती है यार कि अगल बगल मेरे बंदा है आ गया है, तो मैं मूव करता हूँ तो सामने ही बंदा दिख जाता है भाई, ये तो छुप ही रहा था उससे।
सो चलो यार, देखो फिर क्या सीन होता है, उससे नॉक करते हैं यार, वो इधर उधर घूमने लगता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या कर सकते अब। ओके तो मारते, ओके तो इसे भी फिनिश कर देते हैं अपन। उसका टीममेट बौखलाता हुआ आता है यार, तो बेचारा वो भी मारा जाता है, क्या कर सकते। तो सामने गाइस यार गाड़ी थी, उस गाड़ी से अब सोचे कि अपन आगे निकलते, जोन भी आ रहा है। तो वो बंदे भाग रहे थे ऊपर टॉप पे, जोन में तो पहले से ही थे ही। सो गाइस यार तो फिर क्या कर सकते, यहाँ से तो कुछ मैंने उखाड़ नहीं पाया, आगे चल के उनका उखाड़ते हैं। गाइस तो अभी दिख रहा आपको पांच बंदे, यानी कि चार बंदे अलाइव हैं, एक बंदा मैं हूँ पाँचवा। तो चलो फिर देखते हैं यार। तो यार सीन में बता देता हूँ अभी क्या होता है, कि वो दो बंदों को पहले ही निपटा देते हैं। अब रह जाते तीन बंदे, जिसमें से एक मैं रहता हूँ और दो वो रहते हैं। सो गाइस देखना क्या सीन होता है। ओके तो देखो अब तीन बंदे रह गए हैं। गाइस मैंने इसमें को थोड़ा सा काट काट के कर दिया, बहुत लॉन्ग वीडियो चला जाता है यार। शुरुआत में तो भाई यार बहुत कम मिनट का ही वीडियो डालना चाहिए, गेम प्ले से कुछ भी चीज़ का। सो ग्रुप में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। सो गाइस यार प्लीज़ शेयर करो यार, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा गाइस। तो चलो यार मैं अपन अभी कार से उतरते हैं, और यहाँ मैं ग्रेनेड करता हूँ कि शायद बंदे इधर उधर हों तो कुछ डैमेज खा जाए। तो यार ऐसा कोई सीन ही नहीं रहता है, बंदे यहाँ रहते ही नहीं हैं। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब देखो उनको कैसे बजाते हैं गाइस। पहले मुझे लग रहा था कि बंदे डिवाइड ना हो जाए और एक साथ ना अटैक कर दे, तो उस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता, मैं ज़्यादा मतलब कि मैं मारा जाता, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी उस समय। सो गाइस तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था, वो दोनों बंदे एक साथ में कैंप कर रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ थी। तो देखो गाइस जब मैं इस पत्थर के पीछे आके थोड़ा सा कवर लेता हूँ और बंदों का चीज़ मिलाता हूँ कि बंदे है कहाँ एक्चुअल में। तो यार यहाँ से तो कुछ घंटा ना उखाड़ पाता हूँ मैं, तो चलो अब आगे निकलते हैं यहाँ से। जैसे जैसे मैं आगे भागता हूँ गाइस, तो एक जगह मैं और कवर लेता हूँ, तो वहाँ से बंदे दिख जाते हैं। चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बंदों का थोड़ा सी भी आइडिया था। तो बंदे दिख जाते हैं गाइस, तो अब क्या, अब तो फिर समझ में आ गया बंदे है कहाँ पे। ओके तो यार देखो मैं जैसे तैसे करके यार इन्हें निपटाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदे को मैं सोच रहा था कि मार दूं, बट उसका बगल वाला बंदा मुझे हेड शॉट दे जाता है यार, बहुत ही गंदा वाला डैमेज। तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे मेडिकेट थी। तो गाइस ये अच्छी बात थी कि मेरी हेल्थ पूरी फुल हो गई। चलो तो चलो ठीक है, एक बंदा इधर आ गया, एक बंदा उधर ही है, ठीक है दोनों डिवाइड हो गए। उसे वो कॉल कर दिया होगा कि तुम इधर जाओ, मैं इधर से फाइट करता हूँ। तो चलो यार, तो मेरा टीममेट कॉल कर रहा था कि भाई एक को नॉक कर दो तो एक पे आसान हो जाएगा। तो लो यार उसकी भी मन्नतें पूरी हो गई, एक तो नॉक हो गया, पट से हेडशॉट पड़ा उसे। अब देखो इसे कैसे बजाते हैं। यो गाइस तो मैच फिनिश, कैसा लगा गेम प्ले ब्रो, प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर जरूर करें मेरे भाई, थैंक यू। जस्ट डू इट, यस यू कैन।